नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इन्फो में। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भारत में मोबाइल फोन यूज करने वाले दो तरह के वर्ग हैं? एक तो वो लोग जो 1.5 लाख तक का फोन यूज करते हैं, और दूसरे वो लोग जो 15 से 20 हजार वाला फोन यूज करते हैं। और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इसी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में मैं भी शामिल हूँ और शायद आप भी शामिल हो सकते हो। ऐसे में अगर क्या होगा कि हम आपको कहे कि भारत में 12,000 तक के फोन का सेल होना बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में 12,000 तक के चाइनीज फोन बंद होने की कगार पर है। और ऐसे में जो लोग 10,000 से 15,000 तक के फोन यूज करते हैं, उनका क्या होगा? और आखिर ऐसा तो क्या हुआ जो 12,000 के नीचे के चाइनीज मोबाइल फोन बंद होने की कगार पर है? जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। भारत देश स्मार्टफोन मार्केट में दूसरे नंबर पर आता है, वहीं चीन इस मार्केट में पहले नंबर पर आता है। आज मोबाइल फोन भारत के लोगों की एक जरूरत बन गया है। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। भारत में करीबन 120 करोड़ मोबाइल फोन है, जिनमें से करीबन 94 करोड़ फोन 15,000 से लेकर 20,000 तक के है। और ऐसे में उनकी पहली पसंद वीवो, ओप्पो, जायोमी जैसे कुछ चाइनीज ब्रांड है। दोस्तों, सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन के बंद होने की बात करें तो उससे पहले यह जानते हैं कि इन सभी चाइनीज ब्रांड ने इतने कम समय में इंडियन मार्केट पर कब्जा कैसे किया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका मार्जिन, जहां एक मोबाइल शॉप द्वारा दूसरी कंपनी का फोन बेचने पर उसे 3 से 4% मार्जिन मिलता था, वहीं एक चाइनीज ब्रांड का फोन बेचने पर उसे 10 से 12% का मार्जिन मिलता है। और इसलिए ज्यादातर रिटेलर्स आपको चाइनीज मोबाइल फोन की ही रिकमेंड करेंगे। और यही है वजह जिसके चलते चाइनीज कंपनी ने भारत की बाजार पर जल्द से कब्जा कर लिया है। मार्केट में कब्जा करने का दूसरा मेन रीजन यह भी है कि चाइनीज ब्रांड कम कीमत पर ज्यादा फीचर्स देते हैं, जैसे कि अच्छा कैमरा, अच्छा स्टोरेज, अच्छा रैम रोम उपलब्ध कर देता है। वहीं इंडियन ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी कुछ कंपनी लोगों को उतनी रेंज में ऐसे सभी फीचर्स वाला फोन प्रोवाइड करने में नाकाम रही, इसलिए ज्यादातर लोग चाइनीज फोन की तरफ बढ़ते गए। ऐसे में जैसे 8 अगस्त साल 2022 को जैसे ही एक रिपोर्ट में यह खबर आई कि भारत में 12,000 से नीचे के सभी चाइनीज मोबाइल बंद होंगे, इस खबर का सबसे ज्यादा असर चाइनीज ब्रांड जायोमी पर पड़ा, क्योंकि इस बजट के मोबाइल फोन बेचने में यह कंपनी नंबर 1 पर है। इसके अलावा आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसी कुछ छोटी कंपनी को भी इसका असर पड़ा। भारत में हर महीने बिकने वाले फोन में 33% फोन ऐसे होते हैं जिसकी कीमत 12,000 से नीचे होती है, और तब लोग सस्ते बजट में चाइनीज फोन को ही लेना पसंद करते हैं। अब सवाल यह आता है कि इतने सारे चाइनीज फोन की मांग होने के बावजूद भी भारत सरकार 12,000 के नीचे के फोन बंद क्यों कर रही है? तो इसके दो मुख्य कारण है। पहला तो यह है कि जो चाइनीज कंपनी है वो भारत से काफी मोटा मुनाफा कमाती है, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तो यह कंपनी अपने आप को लॉस में दिखा देती है। अभी कुछ दिनों पहले की ही न्यूज थी कि ओप्पो कंपनी पर 4,389 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा था। वहीं जायोमी ने एक साल पहले 5,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। चाइनीज कंपनी अपने होने वाले मुनाफे से कई गुना ज्यादा घाटा दिखाकर टैक्स चोरी से बचती है। अब अगर ऐसे में भारत में 12,000 से नीचे के फोन बिकने बंद हो जाएंगे तो चीन की कंपनीज की कमाई लगभग 25% तक घट जाएगी, और इसका असर भी अभी से दिखने लगा है। दोस्तों, जैसे ही यह न्यूज वायरल हुई तब उस बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर में 4% तक टूट गए थे। और दोस्तों, यही वजह है कि भारत सरकार 12,000 से कम वाले मोबाइल फोन को बैन कर रही है, जिसके कारण हमारे देश की मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी को थोड़ा लाभ मिल सके। तो क्या दोस्तों, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।